भाई हर जर्नी का जो आगाज होता है वो होता है ये पेट्रोल पंप से, समझे ना। पेट्रोल नहीं होगा तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। कभी भी आपको जाना हो तो सबसे पहले आप एक काम करें कि अपनी गैस डलवा लें। तो गैस आज डलवा रहे हैं, आज को मैं दिखाता हूँ आज के जो रेट हैं, समझे ना। रेट देख लें आप आज के, ये रेट, ये प्राइस है, ये दिल्ली है। अब हम निकलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। अभी रास्ता शुरू हुआ नहीं कि पहले इधर जाना पड़ता भैया। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाइट स्टोन ब्रिज है, जो फेमस ब्रिज है न्यूयॉर्क का। हम इस वक्त इसके ऊपर हैं, जा रहे हैं। इट्स अ ह्यूज ब्रिज, बहुत बड़ा ब्रिज है। ये देखें साइड में इधर पानी है इसके, पूरा वो नज़र आ रहा है आप लोगों को पूरा नीचे, और इसके ऊपर ये ब्रिज है। हाँ तो भैया अब हम आ गए जैक्सन हाइट के ऊपर। जिस तरह के हमारे पीछे देख रहे हैं सारा देसी माहौल है, सब अपने देसी बंगाली इंडियन सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप पीछे देखेंगे मेरे तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। सारी दुकानें अपने लोगों की हैं, देख लें आप ये सारी दुकानें, नेम देखें आप दुकानों के, सारे देसी नेम हैं, सारी देसी दुकानें अपने ही लोग हैं सारे। वो ट्रेन जा रही ऊपर से पे, पूरा इलाका हलाल, सारा फूड हलाल है यहाँ पे। ज्वेलरी शॉप्स हैं यहाँ पे, खाना है, मोबाइल शॉप्स हैं, बहुत चीज़ें हैं आपके ऊपर ना। कपड़े मिलेंगे आपको यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलेंगी शॉप्स, यहाँ सब अपने लोगों का बाजार। न्यूयॉर्क यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क ही लग रहा है। देसी देसी हैं कपड़े, आपको मिल जाएंगे तरह तरह के, शादी वादी के लिए कपड़े देने हैं तो यहाँ पे सब मिलेंगे आपको। देख रहे हैं आप लाइन से, ये बारबर शॉप भी है सामने, यहाँ पे बारबर शॉप भी है इसमें, ये ना। और वहाँ पे शायद वो पान का खोखा लगा हुआ है, देखें पान के खोखे भी हैं। ये ज्वेलरी या घड़ियों की शॉप है शायद छोटी सी, ये ना। पूरी स्ट्रीट है, मैं आपको पूरी स्ट्रीट दिखाऊँगा, पूरी हिस्ट्री पे दुकानें दुकानें यहाँ पे। ये सब बैंडीज वगैरह जो है सारे ये हलाल हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको हराम नहीं मिलेगा, सब हराम मिलेगा, सब हलाल है। ये देखें छोटा सा जो है ना चाय का ढाबा है एक तरह का, इस पर मिल्क टी लिखा हुआ देख रहे हैं आप। मिल्क टी $1 की है, ऑरेंज जूस $5 का है, इसमें बिरयानी $8 की, यानी कि इतने से ठेले के ऊपर न्यूयॉर्क के अंदर आप देख रहे हैं कि लोग कैसे पैसे बना रहे हैं। इतना ठेला है मगर कमाई देखें इसकी, रश देखें लोगों का, ये है न्यूयॉर्क। बस इसमें न्यूयॉर्क में जो बिजनेस है बहुत, आप देख रहे हैं इसके ऊपर सब साइन चल रही है, लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं, इतनी जगह है, बस रश ही रश है लोगों का। ये एकदम वो नहीं था कि अपना क्या बोलेंगे तारिक रोड वाला हिसाब है, बिल्कुल तारिक रोड वाली जगह है, बिल्कुल उसकी तरह का हिसाब है। लोगों का बिजनेस भर के यहाँ पे, हर छोटी सी कोई दुकान खोल लें आप, बिजनेस आपका है चलता है कि आप क्या बोलें, समझे। देख रहे हैं कैसा लोगों का रश है पीछे, सब लोग कितना कुछ कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा जैसे ईद की शॉपिंग नहीं होती, ईद की शॉपिंग वाला माहौल बना हुआ है। यहाँ दिल्ली है, वो देखें कोने पान की दुकान है सामने, आप देख रहे हैं ना ये पान का खोखा है सामने, पान ले रहे हैं लोग, गुटखा सब कुछ जो चाहिए भैया जो चाहिए मिलेगा। लोग खड़े हुए हैं खा रहे हैं, यू नो मैंने भी चाय का बोला, देखें चाय कब तक मिलती है चाय, रश तो बहुत है, चाय किस तलब हो रही है तो चाय तो पीनी पड़ेगी। भैया देखें आप यहाँ की ये महाराजा स्वीट मशहूर दुकान है बड़ी न्यूयॉर्क के ऊपर ये, और यहाँ से सारी स्वीट्स की शॉप्स हैं। ये दूसरी शॉप है यहाँ पे, देख रहे हैं कैसा माहौल है, ये बिल्कुल अपना देसी माहौल है यहाँ पे, सब लोग हमारे अपने घूम रहे हैं, आप चेहरे देख के पहचान सकते हैं, अमेरिका ही लगेगा आपको यहाँ, जब भी आप आएंगे ऐसा लगेगा कि अब अमेरिका में नहीं है, कहीं अपने इलाके में घूम रहे हैं, अपनी तारीख रोड पे घूम रहे हैं ऐसा लगेगा। इस तरह भैया पीछे माहौल बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल देसी माहौल है, आपको पता ही चलेगा कि आप अपने किसी दूसरे मुल्क में अमेरिका में घूम रहे हैं। यहाँ पर आपको गाड़ियों के अंदर भी अपने लोग नज़र आएंगे सारे, सब चीज़ें अपनी नज़र आएंगी आपको ना यहाँ पे, और लोग बस घूम रहे हैं ले रहे हैं। ये पान की दुकान भी देख लें आप, हमें छोटी पान की दुकान है यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ स्वीट है,
वहाँ कोई गोल गप्पे वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ कपड़े मिल रहे हैं, बुरखे मिल रहे हैं, यू नो पूरी स्ट्रीट पर कितना कुछ है मिल रहा है आपको। यहाँ पे तो कोई मेला लगा हुआ है, ये देखें ठेले लगे हुए हैं, गाने वाने चल रहे हैं, वहाँ पे गाने भी चल रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है, यहाँ कपड़े उपड़े ले लें, यहाँ जानी मांस भी मिल रही है, समझे ना। ये क्या है यहाँ पे भैया, यहाँ पे अपना बाजार फार्मर फ्रेश मार्केट है, मामा सुपर मार्केट है, ये देख रहे हैं आप, सब ये जूस की दुकान है, सारा देसी स्टाइल है भैया पूरा, ये पूरी मार्केट आपको भरी पड़ी है लोगों से। ये है कमार बारबरी, अब ये मार्केट बनी हुई है पूरी, यहाँ पे आपको शादी जुबिया के जोड़े लेने, कपड़े लेने, तो ये वो जगह है भैया बांग्लादेश प्लाजा, पूरा प्लाजा बनाया हुआ छोटा सा उन्होंने यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे सारा शॉपिंग मॉल है अंदर पूरा ही। अब मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि लेडीज़ कपड़े हैं सारे, तो मैं अंदर नहीं जा रहा, तो चल रहा सारा यहाँ ग्रोसरी सब्ज़ी, वो सब्ज़ियाँ जो आपको नहीं मिलती हैं अपने इलाके में, ये सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। लोगों का रश लगा हुआ है अंदर, तो मैंगो 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 अरे यार ये पाकिस्तानी आम है क्या, सिंधी आम, मैक्सिकन आम है, ये देखो एक और पान की दुकान, पान की दुकानें बहुत है यहाँ पे, यहाँ पे आपको पान की कमी नहीं मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी, पान की कमी नहीं मिलेगी, शावरमा की कमी नहीं मिलेगी, देसी खाना इटालियन ग्रिल, ये क्या है, ये कबाब किंग जो वहाँ का मशहूर है कबाब किंग, ये उसकी दुकान है कबाब किंग के अंदर, हम लोग आ गए ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे खाना ना कुछ कर लें फिर आगे निकल लेंगे, क्या है पुरान करते हैं, देखते हैं किधर चलना है। मैंने वैसे आपको पूरा एरिया तो दिखाया है सारा, ये तो ये जगह है, सारी देसी बाज़ार है पूरे, सारे लोगों के कपड़े हैं, आपको ईद की शॉपिंग करनी है, उसकी शॉपिंग करनी है, अबाया लेना है या अपना कोई ऐसी चीज़ें लेनी है जो नॉर्मली आपको नहीं अपने घरों के खरीद नहीं मिलती है अमेरिका के अंदर, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं भाई। पाँच मिल रहे हैं मेरे को, तो मिल गया पाँच तो मिलते हैं यहाँ पे, तो आप देखें पाँच बंदा किसका है, पान खाते ना आपको ऐसे हो जाते अल्फाज कितना पान बनता भैया टाइम स्क्वायर के अंदर, यहाँ पे ऐसे पान बनते हैं, तो पान की दुकानें हैं सब दुकानें आजू बाजू, छोटी छोटी दुकानें हैं भैया, इतनी दुकान के अंदर काम हो रहा है, जैसे होता है ना कोके में यहाँ पास कराची है उतना काम हो रहा है, काम देखें आप वीकेंड पे ज़्यादा। तो भैया ये था सारा ब्रुकलिन मैनहट्टन में,
और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो एक्चुअली ब्लॉग बहुत लंबा जाएगा तो मुझे यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। जैक्सन हाइट में इस वक्त हम लोग, तो इस वक्त मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। पीछे अभी तक रौनक लगी हुई है, रात के 11 बज चुके हैं लगे, मगर यहाँ पे रौनक कम होने का नाम नहीं दे रही है। तो ये जगह तो लोग बिजी लगे हुए रहते हैं, और चलते मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाल्लाह आपको, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से टाइम स्क्वायर, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगा। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।